तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल आज का हमारा टॉपिक है, और पिवट टेबल में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से पिवट टेबल के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ बातचीत किया था कि किस तरीके से हम पिवट टेबल को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पिवट टेबल के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। डेटा है वो देख लेते हैं। ए सीरियल नंबर है, नेम है, सिटी है, कोर्स है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, मंथ है और डेट है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पिवट टेबल लगाया। पिवट टेबल लगाने के बाद मैंने मान लीजिए कि नेम वाइज और अमाउंट को मैंने यहाँ पे रखा। अब मुझे एक काम और करना है कि मुझे टारगेट से सबको डिवाइड करना है। कैसे करें, मतलब मुझे इसकी बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह चाहिए। कंट्रीब्यूशन चाहिए कि भाई किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। जैसे मान लीजिए मैं नेम बताता हूँ, मैं कोर्स को रखता हूँ यहाँ पे, कि किस कोर्स की ए पूरी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे रख दिया। मुझे पता करना है कि किस कोर्स की कितनी शेयरिंग है। तो उस सब चीजों के लिए हम यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में आके सो वैल्यू एज पे आते हैं, और यहाँ नो कैलकुलेशन दिख रहा है आपको। नो कैलकुलेशन के अंदर में यहाँ परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं। देखिए आप एक क्वांटिटी को मैं एक बार और भी रख सकता हूँ, मतलब कि आप वैल्यू फील्ड में एक फील्ड को कई बार रख सकते हैं सिर्फ वैल्यू में। तो यहाँ पता चला कि एक्सेल जो है 980 सेल किया, 13% की शेयरिंग है, वीवीए 14% की शेयरिंग है। तो ऐसे रो एंड कॉलम है तो रो एंड कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो ए यहाँ कैलकुलेशन का मॉड्यूल है, यहाँ आप यूज कर सकते हैं। कॉलम टोटल, रो टोटल, परसेंटेज ऑफ कोई पर्टिकुलर पार्ट से। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो है वीवीए का सेल सबसे ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ वीवीए से बाकी सबको डिवाइड कर दे। तो वीवीए के अगेंस्ट देखिए पता चल गया आपको। तो इसी तरह से और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रनिंग टोटल निकाला है क्यूमुलेटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मंथ ले लिया, मंथ, और ये हमारा अमाउंट आ गया। तो यहाँ दिख रहा है कि अप्रैल को 22,000 हुआ है, मई को 24,000 हुआ है। तो मुझे पता करना है कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसे करें कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा रनिंग टोटल, दिख रहा होगा रनिंग टोटल। रनिंग टोटल को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। ये देखिए कंप्लीटेड हो गया। एक बार अमाउंट को यहाँ रखता हूँ, यहाँ देखिए कि 22,000 था। अब इसमें एक काम और है कि मुझे इसको अरेंज करना है मंथ वाइज। तो शॉर्ट से तो होगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट से तो अल्फाबेट होगा। तो मैं इसको अपने हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में 27 था, ओके, फरवरी में 23 हुआ, तो 27 और 23 मिलके 51 हो। ये आपका कुमुलेटिव टोटल होता है, रनिंग टोटल। उसी तरह से यहाँ पे रनिंग टोटल का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन बताओ, 9%, 18%, 27%, किस तरह से आपका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट होकर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बाकी कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो कॉल कीजिए। तो ये आपका फिल टू फिल कैलकुलेशन होगी। अब बात करते हैं कॉलम कैलकुलेशन की। जैसे मुझे टारगेट निकालना है, मतलब कि मेरे पास यहां अमाउंट है, मतलब तो कि कितना अमाउंट सेल हुआ है। अब अमाउंट हमारा सेल कितना हुआ यहाँ पे मेरे पास है। अब मुझे क्या करना है कि इसके बगल में कॉलम चाहिए कि इसे हर महीने कितना परसेंट, क्योंकि 30,000 का मंथली हमारा टारगेट है। तो मैं 30,000 सबको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ। तो उसके लिए ऊपर यहाँ देखिए आपको पिवट टेबल का एनालाइज टैब दिखेगा। इस एनालाइज टैब में जाइए और यहाँ आपको दिखेगा फिल आइटम सेट।
इस फिल आइटम से पे आइए, कैलकुलेटेड फिल्ड पे आइए, और यहां पे मैं दे देता हूं टारगेट। और फिर यहां हम अमाउंट लिए और इस अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं किसे, 15,000। तो 15,000 या 30,000 ना, 30,000, और इसको ऐड करते हैं। या इस तरह से अब इसको परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर लीजिए। चर्चा जी, सेंडर जी, समझ में आया? बरखा जी, समझ में आया? बरखा जी, क्या हुआ, लेट हो गए? यस सर, लेट हो गया आज। अब जैसे मेरे पास क्या है, अमाउंट है, क्वांटिटी और अमाउंट। अब मुझे पे यहाँ पे रेट नहीं है, मुझे पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट एवरेज किस रेट में बिका। जैसे मान लीजिए 70 क्वांटिटी अगर 2830 में बिका हुआ है, तो एक क्वांटिटी क्या होगा, एक क्वांटिटी होगा 2830 डिवाइड बाय 77। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइड डिवीजन करना है। ये चीज हम पिवट टेबल में कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहां क्वांटिटी रख दीजिए और यहां ऊपर एनालाइज में जाइए, कैलकुलेटर आइटम में यहां पे लिखिए रेट और यहां अमाउंट डिवाइड बाय 1 क्वांटिटी। ठीक है, ऐड नो। अब ये इस तरह से आया, तो पूरे को सिलेक्ट करके होम में जाके इसकी डेसिमल प्लेसेस को एडजस्ट कर लीजिए। ऊपर जो रेट दिया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं आप। इस तरह के कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब क्या हम कैलकुलेशन ही कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं? जैसे आप मान लीजिए कि ए, आपको इस तरह से डेसिमल प्लेस का लंबा चौड़ा डेसिमल प्लेसेस का मिला हुआ है, मैं चाहता हूँ ऐसा 9,000 ए राउंड हो जाए, राउंड का फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि मैनुअली राउंड करने पे डिजिटल राउंड होता है ना, ओरिजिनल तो राउंड होता नहीं है। तो कैलकुलेटर आइटम में हम जाएंगे और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे हीरा रेट पर और इसको हम दे देंगे R O U N D राउंड ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे कॉमा जी और इसको हम मॉडिफाई करेंगे। देन देखिए ऊपर ऐसे नहीं है ना, इस तरह की और भी फॉर्मूले यहाँ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इफ का फॉर्मूला यहाँ लगाना है कि अगर जिसने 50 से ऊपर का एवरेज सेल है उसको मैं 5,000 की इंसेंटिव देना चाहता हूँ, नीचे वाले को 2,000 की इंसेंटिव देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल यहाँ पे देंगे हम INC और यहाँ पे देंगे इक्वल कि इफ इफ में हमने ले लेते हैं क्या रेट पर इज ग्रेटर देन 50 मैंने बोला यहाँ पे 5,000 अदरवाइज 2,000 पैकेज क्लोज कर दिए एंड यहाँ पे ऐड कीजिए। समझे सर? हेलो, समझ में आया बरखा जी? ये लास्ट जो ई वाले कॉलम में क्या बेसिकली निकालना चाह रहे हैं हम? हमने इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर किसी का एवरेज प्राइस अगर 50 से ऊपर है
तो हम पांच ओके सेल जिनसे देखेंगे, और नीचे है तो हम दो ठीक है सेल जिनसे देखेंगे। ठीक है ठीक है क्लियर है? यस सर। अब यहाँ ये तो हो गई, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी आपको बताया कि हम किसी भी तरह की फिल टू फिल की कैलकुलेशंस के लिए कहाँ जाते हैं, कैलकुलेटेड फिल में, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी कॉलम बनाना चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि ए फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक मेथड है कि यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला लगेगा जिसका रिजल्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट थोड़े थोड़े सो गया, ओके और पेंडिंग थोड़ी सो रहा है। तो फॉर्मूला लगाने का कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको? यस सुरेंद्र जी आपको? अब ये चीज मैं आपको जोर दे के बता रहे हैं क्योंकि मुझे बराबर फोन आते रहते हैं कि सर मैंने ये फॉर्मूला लगाया था बट मेरा क्वेश्चन में फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है। तो उस केस में हम आपको कुछ समझाया। अब बात आती है फिल टू फिल कैलकुलेशन, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैन फैब मार्च एक जगह पे आ जा रहे हैं, क्वार्टरली इसको करना चाहता हूं, क्योंकि डेट तो है नहीं जो उसको हम ग्रुप करेंगे, एक एक क्लिक करके ग्रुप करना इस तरह से पड़ता है तो दिक्कत होता है कि इस तरह से ग्रुप हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि मैनुअली कैलकुलेट होकर नीचे दिख जाए क्वार्टरली। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड आइटम दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कर्ज इधर उधर रख रखा है तो ये देखिए कैलकुलेटेड आइटम नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट तभी होगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे कैलकुलेटेड आइटम में जाऊंगा और यहां पे क्वार्टर वन कर दिया और यहां हम बोल रहे हैं कि भाई जैन इंसर्ट कीजिए प्लस फरवरी इंसर्ट कीजिए प्लस फिर मार्च। होता है कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है इस तरह की इसके आइटम के बीच में कैलकुलेशन करने की, उस केस में क्योंकि आप ग्रुप करेंगे तो सिर्फ प्लस ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे डिवाइड मल्टीप्लाई और बहुत और चीजें भी हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एंड ओके आ गया सर, पर ध्यान रखिएगा जब वो ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा और टोटल इफेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जब ऐसा कुछ करते हैं तो आप पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएं और टोटल एंड फिल्टर्स में जाएं और यहां से 100 ग्रांड टोटल जो टोटलिंग का ऑप्शंस है वो यहां से रिमूव कर दो, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आप अपने एंड से ट्राई कीजिएगा। अब इसमें बात करते हैं कि किसी ने फॉर्मूला लगाया होगा, क्योंकि आपने यार देखा कि बहुत सारे फील्ड आपके पास आ रहे हैं और सर इसका व्यू ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये क्वार्टर वन जो है मार्च के बाद आए, तो ये तो आप हाथ उठा कर रख सकते हैं ना, मून बताया था आपको नहीं, वैसे मतलब कि ऐसे नहीं कि जैसे जैन फेब मार्च कोलैप्स हो जाए और क्यू वन आ जाए, मतलब आपको मैंने उसके लिए बताया ना थोड़ी देर पहले कि इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके आप उसको ग्रुप कीजिए, तो ग्रुप में बताया मैंने आपको ना कि आपका क्वार्टर वन हो गया, समझे? समझ गया, कोलैप्स हो जाएगा। पर प्रॉब्लम है इसमें आप टोटलिंग ही नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन जो नीचे जो क्वार्टर वन में लगाया उसमें तो आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एक्सेल के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, समझे? तो ग्रुपिंग तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था, लेकिन ग्रुपिंग के अलावा ये चीज़ हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो चीज़ हमने बताई कि आप कैलकुलेशन वर्क करना हो तो फिल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आता है ऑर्डर, तो ये आपका जो सॉल्व है उसका ऑर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आप लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं तो एक नई सीट पे आपको इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले लगे हैं ना उसका एक लिस्ट आपको दे देता है, और ये बहुत अच्छी चीज है,
क्योंकि अगर किसी और का एक्सेल ले रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, उसको अपने एंड से एनालाइज कर रहे हैं, तो वहां आपको ये पता रखना मुश्किल होता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फील्ड है, तो वहां पे ये काम आता है। समझ गए? हेलो, यस तो ये आपका लिस्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमने आपको बताया। और लास्ट एक लास्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसका क्या हुआ प्रकाश जी, आपने नहीं भेजे? एक भेजिए सर, चेक करिए। मिनट। हाँ आपका नहीं, दिल लेवल 1 का था ये, तो टेस्ट फाइल थी, नहीं आया आपका लास्ट मेल तो ये है, नहीं ये जो आपने भेजा है लास्ट मेल, ये आपका 12 मई का है, नहीं सर, मैंने किए, एक उसके बाद सेकेंड मैं प्रशंसा चेक जी के कर, असाइनमेंट्स आए हैं, उसके बाद आपका तो है नहीं, मैंने किया था सेंड, आपके सामने मेरा आपका मेल ये बॉक्स रहा ना सर ऊपर, आता है। देखिए हाँ ये रहा, ठीक है। आज का जो आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि आप लोग जो है इसका जितने भी फॉर्मूलेज हैं उस फॉर्मूलेज के 10 एग्जाम्पल लगाएंगे और 10 एग्जाम्पल मुझे बना के देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चंस क्या किया आपने, क्या किया देख लेते हैं आपका क्वेश्चंस। तो यहाँ आपका सेकेंड तो क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं था, कुछ क्वेश्चन इतने क्लियर नहीं थे, हाँ देखिए, ये बट सिंपल क्वेश्चन थे, अपने हिसाब देखिए से। डेटा है, देखिए ऑफिस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आपको तो समझना होगा। हाँ तो ये देखिए आपका है सिटी एरिया ऑर्डर काउंट, मेक ए रिपोर्ट लिखा हुआ है सिटी एरिया ऑर्डर काउंट, मतलब कि मुझे आपको जो है यहाँ सिटी वाइज एरिया हाँ वाइज ऑर्डर का काउंट, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आए, क्वांटिटी नहीं ऑर्डर, एक रो मतलब एक ऑर्डर, समझे? हाँ यही क्लियर नहीं था कि ऑर्डर क्या है यहाँ पे, एक एक ऑर्डर, तो आपको क्या करना था कि यहाँ पे काउंट काउंट क्वेश्चन मार्क निकालना, में मतलब जा रहा। एक काउंट निकालना था। यहाँ तो यहाँ पर आता है कि मंथ सिटी टोटल अमाउंट, तो क्वांटिटी में आपने मंथ सिटी टोटल अमाउंट से निकाला है। आप क्वेश्चन 1 चेक करिए ना पहले, देखो हाँ क्वेश्चन 1 आपने यहाँ पे, हाँ काउंट ऑफ क्वांटिटी लिया है तो सही है, हो गया। मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं ना उसमें तो फिर। हाँ लेकिन इसमें आपने इसको फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं किया, जस्ट पिवट लगा दिया है, इतनी फॉर्मेटिंग क्लास पुराना गेट हो गया हमारा ना प्रकाश जी, अच्छा बॉस को भी ऐसी रिपोर्ट भेज देंगे आप? पर विजुलाइजेशन होना चाहिए, आपको तो इतने सारे क्लास दिए हैं फॉर्मेटिंग के ऊपर, इसलिए दिए थे ना, हैबिट में रखिए। हालांकि मेरी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऐसे भी देख लूंगा, लेकिन हैबिट रहने से क्या होता है ना कि आप तो बॉस को भी भेजते हो या किसी अपने सीईओ को या फिर बहुत ही हायर मैनेजमेंट को भेजते हैं, तो वहां भी आपकी हैबिट रहेगी, थोड़ा सा नीट क्लीन, थोड़ा सा फॉर्मेट सॉर्मेट करके भेजो, ठीक सर है ना? तो मेरे पास तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वहां पे ऐसी रिपोर्ट भेज देंगे तो वहां इफेक्ट पड़ेगा आपका, इसलिए हैबिट रखिए। तीसरा मैं क्वेश्चन था आपका मोड नेम टोटल ऑर्डर काउंट एंड टोटल क्वांटिटी सम, ये आपको देखिए इस तरह से रिपोर्ट बनाए, आपको मोड को यहाँ रखना चाहिए था इस तरह से, या फिर हाँ इस तरह से, ठीक है? याद रखिएगा जब आपके पास फील्ड में कई सारे इसमें वैल्यूज के अंदर कई सारे फील्ड हो जाते हैं, तो आपकी जो हाँ सेकेंडरी फील्ड होगी उसको रो में रखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें रखिएगा तो रिपोर्ट थोड़ा सा ऐसा लगेगा जो दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है? ठीक अब देखिए ये सामने रिपोर्ट है, एक क्लियर समझ में नहीं आ रहा है ना, बट इसी रिपोर्ट को मैंने है। यहाँ रख दिया, क्लियर समझ में आ रहा है कि अमर की एप्लीकेशन में इतना है, इसका इतना है। हाँ यही आपका अगर सिर्फ क्वांटिटी होता, काउंट होता, तो आराम से आप मोड को रखें तो रिपोर्ट तो एकदम सही दिखता था। राइट क्वेश्चन नंबर 4 आपने बनाया, हाँ क्वेश्चन 4 सही है, एमआरपी, अब यहाँ पे गलत किया आपने,
लिखा है वाइज, काउंट वाइज मैक्स ऑफ कोर्स मैक्स और वाइज, मिनिमार्क, मैक्स और मिनिमम एवर मिनिमार्क। भी कोर्स आपने यहाँ पे वाइज। सम दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, इसको करना था आपको मैक्स, मैक्सिमम एमआरपी कितनी है, और ये आपको करना था मिन, कि मिनिमम एमआरपी कितनी। ठीक है, समझे? अच्छा ओके, सिंपल है ना, कोर्स वाइज मैक्स और मिन एमआरपी। सम तो नहीं है ना इसमें, टोटल नहीं ना है, ज्यादा सिंपल एमआरपी होता का इस कभी टोटल क्वेश्चन होता नहीं ना। एमआरपी जब भी होगा एवरेज होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम होगा, सम नहीं होगा। क्यों? को। राइट, क्योंकि तो देखिए, ए एमआरपी है मतलब 84 पीस जो बिका है 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपया में 84 नहीं बिका है, 20 रुपया इच इच क्वांटिटी। हाँ राइट, तो यहाँ पे अगर आप एमआरपी का सम करते हैं तो गलत होगा ना, क्योंकि वो तो 84 को 20 ही ले लिया, तो मतलब कि कितना रुपए में जोड़ लिया उसको, समझे? सर एमआरपी ये जब तो भी होती सेम है, ही आ हाँ, रहा है सारा। क्योंकि सेम ही मैक्सिमम है ना, सबका सेम ही है ना, इसलिए आप एक काम कीजिए ना, वीवीए था ना। अब ऐसे प्रॉब्लम हो ना आपको, तो आप फिल्टर लगा के डेटा को चेक कर लीजिए, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे वीवीए ले लेता हूँ, वीवीए। अब यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम यहाँ से देख लीजिए आप, ना मैक्सिमम क्या रहा है, मैक्सिमम क्या रहा, 540। मैक्सिमम 540। अच्छा, डेटा रिफ्रेश नहीं है इसका, तो सॉरी, हम क्वांटिटी क्या कर रहे हैं। अब यार 90, मैं मान लीजिए यहाँ पे 95 कर देता हूँ ना, अब यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, आएगा 95। हाँ ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं हम। क्वेश्चन क्या था जो करना है? ठीक कल कैलकुलेशन जो समझाया ना आपको, उसी के 10 एग्जांपल देने हैं आपको। फॉर्मूला के। हाँ, इसकी 5 इसकी देनी है, इसकी इसकी 5 देनी है, और 5 जो है यहाँ जो हमने बताया आपको, इसकी देनी है। ठीक है, ठीक है। डेटा वही है जो मैंने लास्ट टाइम भेजा था, उसी तरह भेजा।